जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मरलिमा। अच्छा देखें, आज सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, 28 नवंबर मंडे के लिंक करने वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल एंड देन वी गॉट द वशक्रात। मुझे ये डेक कब से यूज करना था ओके लेकिन बहुत दिनों बाद में उसे यूज कर रहा हूँ, काफी दिनों पहले ही आ चुका था। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है, एंड हम सही अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त भी कर पाए। कई बार हमारे सामने रास्ते ओपन होते हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो फिर देखो डेस्टिनी या फिर जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स, वो हमें सपोर्ट तो करती हैं लेकिन कई बार वो सपोर्ट इनडायरेक्ट होता है, चुनाव हमें करना होता है। अब अगर गलत चुनाव हम करते हैं तो गलत नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ पे कि जब सब कुछ आपके सामने है तो आप गलत डिसीजन क्यों लेते हो, है ना। सो लेट्स प्रे कि हम सही डिसीजन ले पाए। तो अब करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो एंड वी गेट टैरो। ठीक है, करते हैं और दो बार शफलिंग एंड हियर वी गेट। ठीक है, चलो हम चुनते हैं 4 से 5 कार्ड या फिर 4 ही कार्ड चुनते हैं आज। ये आ गया पहला कार्ड, ठीक है, यस, दो कार्ड आ गए इसमें, ठीक है, ये आ गया तीसरा कार्ड और एक चुनते हैं जो कि है ये चौथा कार्ड, एक ले ही लेते हैं जो कि है पांचवा। ठीक है, सो वी गॉट द 5 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैंने यहाँ पे रखे हैं ये कार्ड्स, आई होप यू कुड सी दैट हियर। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, सो जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ड्रीमर है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, रोमांस है, चार्म है, इमेजिनेशन है एंड ब्यूटी। तो अगर हम इस नाइट ऑफ कप्स को देखें तो यस, ये पर्सन काफ़ी हद तक सिंबॉलिक तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, काफ़ी सारे सेल्फी, काफ़ी सारे मैसेजेस आपको भेज सकता है एंड इमोजीज के ऊपर इसका ज़्यादा ध्यान हो सकता है। सेकेंडली, आई थिंक आपके ऊपर प्रैंक भी कर सकता है एंड आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। इंटेलिजेंट थोड़ा सा बिहेवियर इनका आपको देखने को मिल सकता है, मतलब कि उनका बिहेवियर है या फिर जो उनका एटीट्यूड है, जो उनकी बोलने की आदत है, वो थोड़ी सी चेंज हुई आपको दिखाई देगी। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट आपको दिखाई देगा। अब या तो वो आपको दिखाने के लिए, फिर जनरली कि आज बहुत ही स्मार्ट मूड में है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। दैट इज़ वॉट, क्योंकि देखो ये कप्स का साइन है तो इट्स ऑल अबाउट द वाटर साइन, तो जो उनकी मन की अवस्था है वो डायरेक्टली आपके सामने आएगा। आई थिंक ये पर्सन अभी आपको डायरेक्टली प्रपोज भी कर सकते हैं, ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि कोई गिले शिकवे हैं तो मिटाने के लिए भी ये पर्सन रेडी हो सकते हैं। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है ओके, ये सेकंड कार्ड मेरे साथ में आ गया, ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। ये है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यहाँ पे आ चुका है सेकंड टाइम। स्वीटनेस, इंटरेस्ट इन लिटरेचर, क्यूरियोसिटी, जेंटलनेस, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज, इंट्यूशिव मैसेजेस एंड पॉसिबिलिटी। ठीक, ये एक्चुअली जानना चाहता है कि आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं एंड जब आपको बताता है कि भाई मैंने ये तय कर लिया है या फिर मैंने ये प्लान बनाया है तो आपका डिसीजन क्या होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट देयर। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हैं स्वीटनेस, ओके, जस्ट अ मिनट। सो यस, यहाँ पे है स्वीटनेस, तो ये पर्सन आपको काफ़ी स्वीट भी दिखाई दे सकता है, बट मोर देन दैट क्यूरियोसिटी भी उसके अंदर भरी हुई होगी। तो व्हाट अबाउट क्यूरियोसिटी, जैसे कि आप उसके साथ अगला स्टेप कब लेने वाले हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। अगर ये कोई पॉजिटिव स्टेप उठाते हैं तो क्या उसके लिए रेडी हो। मान लो कि उनका जो स्टेप है आपके हिसाब से नेगेटिव है, तो ऐसे में आपका कम्युनिकेशन उनकी तरफ क्या होगा। तो कहीं ना कहीं सोच में डूबे हुए हैं लेकिन जेंटल है, काम है, शांत है, इंटेलिजेंट भी हैं एंड आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो हमें मिला है वो है 7 of Cups। सारे कप्स यहाँ पे आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द 7 एंड 7 मतलब क्या है, जिसमें कहते हैं कि भाई एंजेलिक साइन भी इसे हम कह सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द इमेजिनेशन, इल्यूजन, डायरेक्शन लेस अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस, विशफुल थिंकिंग। तो हमने विश क्राफ्ट भी ले लिया है तो इसको कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम कहें तो इमेजिनेशन मतलब कहीं ना कहीं इसके जो प्लान्स हैं वो दिल में, दिमाग में बनाए गए हैं लेकिन अभी फूल प्रूफ नहीं है, मतलब एग्जैक्टली इसको नहीं पता कि जो उसने प्लान्स बनाए हैं, जैसे कि मे बी कि मुझे जब यू नो प्रमोशन मिलेगा या फिर हम यहाँ पे जाएंगे, सो जाएंगे मतलब ये फ्यूचर वाली बात हो गई, अचानक इनके जो प्लान्स हैं वो बदल भी सकते हैं। और आई थिंक इसने सारे दिन या साल जो थे आप रिलेशनशिप में उसमें आपने देखे होंगे कि ये पर्सन किस तरह से अपने प्लान्स बदलता है, बिकॉज
आम इंसान के भी प्लान्स बदलते बदले जाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो वही चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि कुछ चीज़ें इसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं पे चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं, ऐसा मुझे तो लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे देखते हैं, ये कार्ड आ गया रिवर्स, इसको करते हैं स्ट्रेट। ये है द फूल, बिगिनिंग्स, पॉसिबिलिटीज, प्लेजर, थॉटलेसनेस, एडवेंचर, अपॉर्चुनिटी, बिगिनिंग्स, इनोसेंस, स्पॉन्टेनिटी, फ्री स्पिरिट। टेकिंग वही अगर रिवर्स देखा तो इंडिसिजन, हेजिटेशन, इनजस्टिस, अगेथी, बैड चॉइस, होल्डिंग बैक, रेस्टलेसनेस, रिस्क। मेरे हिसाब से ये कार्ड रिवर्स में ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, तो मैं रिवर्स मीनिंग लूँगा उसकी, कि ये पर्सन एक्चुअली जिस चीज़ों से गुजरा हुआ है, जैसे कि आप कल की ही बात ले लीजिए, कल के दिन जो उसने अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट किया होगा या फिर किसी का रिश्ता टूटते हुए भी देखा होगा, तो सब कुछ एहसास हुआ होगा और उस एहसास के कारण आज ये बदला दिखाई देता है। मे बी इसलिए आप उसे जिस रूप में पाना चाहते थे एग्जैक्टली नाउ अब ऐसे रूप में आपके सामने वो आ सकता है। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं इसने अपने आपको होल्ड करके रखा हुआ था, अब वो आपके सामने कम्प्लीटली जो उसका माइंड से दूसरी तरह से आ सकता है। सेकेंडली आपको इसको अंडरस्टैंड करना होगा, शायद ये डरता है कि कहीं ये कोई गलत चुनाव ना करते। अब गलत चुनाव कभी भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपसे कम्युनिकेट करते वक्त कोई गलत बात कह दी ओके और आप हर्ट हो गए, तो इसलिए शायद कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी बात कहते ही नहीं। एंड जो फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है द स्टार, एक्वेरियस का साइन। तो यस, यहाँ पे है बैलेंस, प्लेजर, ऑप्टिमिज्म, इनसाइट, स्पिरिचुअल लव, होप, फेथ, पर्पस एंड रिन्यूअल। तो ये चाहता है कि भाई आपके रिश्ते की शुरुआत सही हो जाए, अगर सही थी तो वही मेंटेन हो जाए, आप किसी भी हालत में इनसे गुस्सा ना हो। अगर आप इनको इनके जीवन में कुछ चेंजेस कराना चाहते हो तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है, एंड दैट इज़ व्हाट द पर्सन वांट टू टेल यू। अब देखते हैं हमें यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चुनते हैं कुछ कार्ड एंड हियर वी गो। तीन से चार कार्ड चुनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलो, तीन कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग। एंड जो फर्स्ट कार्ड है वो है प्योरिटी, हाउ वी कुड सी दैट। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखता हूँ। यस, फर्स्ट है कार्ड प्योरिटी। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। मतलब कि भाई आज ये पर्सन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेगा, ठीक है, कि भाई मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कितनी अच्छी चीज़ें की हैं, या फिर मेरा मन कितना सही है। सो दैट द पर्सन वॉन्ट टू कन्वे यू कि ये अच्छा सोचता है, पर्सन अच्छा है। सेकेंड ड्राइव लीव फॉर नाउ, समटाइम्स इज बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर हार गो। जो हमें कार्ड आ गया था टैरो में फूल रिवर्स, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम डिसीजन लेने के काबिल नहीं होते या फिर हम डरते बहुत है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप इनको डेटिंग कर रहे हो, फिर ये आपको डेट कर रहे हैं, वट एवर द थिंग कुड बी गोइंग ऑन, एंड सडनली अगर ये आपसे कहते हैं कि कि कम ऑन लेट्स डू द मैरिज, या फिर डायरेक्टली फैमिली के सामने आते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो डरते हैं अंदर से कि क्या होगा, फैमिली का अंडरस्टैंडिंग क्या वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, या फिर थोड़ा और समय देना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वन। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है पे टाइम। यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड टाइम अगेन, यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने जो कर्म है उसके हिसाब से अनुभूति मिलती है, दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो पे टाइम का मतलब यहाँ पे क्या आ गया है कि देखो, अगर इस पर्सन ने अब तक आपसे अच्छा बिहेव किया है तो आप भी इससे अच्छा ही बिहेव करोगे, लेकिन अगर एक दो हफ्ते पहले, फिर एक दो महीने से अगर इनके स्वभाव में आपने चेंजेस देखे होंगे, सो डेफिनेटली द सिमिलर थिंग कुड बी गोइंग ऑन, आपने भी इनको शायद बदलाव दिखाया होगा। सो दैट इज़ वॉट वी सी इन दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। जो आप बोगे वही पाओगे, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है, दैट इज़ द थिंग वही है। और अब देखते हैं फाइनली विश कार्ड जो है उसमें हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं वन एंड फाइनली टू, सिर्फ दो ही कार्ड चुनते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक, जो पहला कार्ड हमें मिला है, ओके, ये है बहुत ही खूबसूरत कार्ड, एंड इसकी जो मीनिंग है वो है आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। वाओ, ये कार्ड आ गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं पे नए चैलेंजेस के लिए रेडी होने के लिए पर्सन कह रहे हैं। शायद आपको जो पर्सन है ये चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहता है और नए चेंजेस और चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। शायद इसका बहुत ही जल्द तबादला होने वाला है या फिर हो चुका है। सेकेंडली, कलीग से शायद अगर इसका मेल मिलाप सही नहीं है तो वो करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड, अगर आप इनको अपने फैमिली से मिलाना चाहते हो तो वो भी शायद प्रिपरेशन में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आई थिंक ये क्रिस्टल टाइप या फिर स्टोन टाइप है,
आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, दैट इज़ वंडरफुल थिंग ओवर हियर। ये फाइनली खुद को कन्विंस करना चाहता है कि मुझे लोग प्यार करते हैं, एटलीस्ट आप तो करते हैं, और आपके इस प्यार के कारण ही ये प्रोटेक्टेड रहता है। मे बी हाल ही में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जहाँ पे एक्सीडेंट होते होते ये बच गया होगा, यू नो, या फिर कहीं ना कहीं पर कि भाई आपकी याद आई होगी कि बिकॉज ऑफ यू उस दिन वो कैसे बच गए, कैसे आपने उनकी हेल्प की। सो दैट इज़ व्हाट द पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड, कि आप अगर इतनी इनको सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, तो व्हाट द पर्सन नीड टू डू एग्जैक्टली। थर्डिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।